बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज इन सच मैं तो बस वैसे ही बाहर निकला था, तो मैंने सोचा कि कुछ बातें आप लोगों से करनी थी बड़ी ज़रूरी, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे नए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो आए हैं, तो उनको बताने के लिए कि मेरे चैनल पर आपको कौन कौन सी वीडियोज़ मिलेंगी, क्योंकि ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं माशाल्लाह मक्का मदीना के। जो मैंने व्लॉग्स किए थे या शॉर्ट्स बनाए हैं उससे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर आए हैं, तो मैं लाजमी समझा कि अपने उन व्यूवर्स के जो नए माशाल्लाह सब्सक्राइबर बने हैं उनको ये चीज़ बताता चलूं कि मेरे चैनल पे आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि चैनल का नाम से आपको पता है किचन एक्सपर्ट विद भट्ट साहब, कि जो हमने माशाल्लाह ढाई साल पहले तकरीबन शुरू किया था ये चैनल, और चैनल की शुरुआत हमने की थी कुकिंग से। ठीक है जी, यानी आपको रेसिपीज़ भी मिलेंगी काफ़ी ज़्यादा, मोर देन 250 से ज़्यादा रेसिपीज़ मिलेंगी। बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं जो आप जाके मेरे चैनल पर देख सकते हैं। एक नंबर एक तो ये बात हो गई। उसके बाद जनाब सियालकोट के हमने व्लॉग शुरू किए थे, क्योंकि मैं सियालकोट से, मेरा यानी कह लें हमारी जो रहाइश है वो सियालकोट में है, और सियालकोट ही हूँ मैं भी माशाल्लाह। तो मैंने जनाब जो व्लॉग स्टार्ट किए थे माशाल्लाह सियालकोट से किए थे, जिसमें अल्लामा इकबाल का घर भी मैंने दिखाया माशाल्लाह, इकबाल मंजिल, और काफ़ी ज़्यादा जो इलाके हैं सियालकोट के वो दिखाए हैं, जिसमें मोहल्ले भी थे। आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी काफ़ी ज़्यादा, तो यानी काफ़ी ज़्यादा डाटा आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पे सियालकोट के रिलेटेड भी आपको। उसके बाद जनाब हमारा टूर हुआ था माशाल्लाह मक्का मदीना का, तो पहले भी हम जब गए हैं तो उस पर भी मैंने जितने ज़्यादा व्लॉग्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट की उस पर आपने माशाल्लाह जाके मेरे व्लॉग्स पे जाके देख सकते हैं कि आपको मक्का मदीना के रिलेटेड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कैसे, यानी आपने टिकट लेनी है ट्रेन की, अगर आप जनाब होटल कौन कौन से अच्छे हैं वो भी आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। पाकिस्तानी होटल मक्का में किधर मिलेगा, मदीना में कहाँ से मिलेगा, रियाज़ुल जन्नत जाने के लिए कैसे आप जा सकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और ज़्यारतों के रिलेटेड कि मदीना की ज़्यारतें मक्का की ज़्यारतें कौन कौन सी हैं, तो ये सारे आपको मेरे व्लॉग्स आपको मिलेंगे मेरे चैनल पर। ठीक है, तो बाकी रिक्वेस्ट बेसिकली मैंने ये करनी थी कि जैसा कि आपको मालूम है कि ये तमाम डाटा मेरे चैनल पर आपको मिलेगा, तो मैं चाहता था कि जो लोग मक्का मदीना को जो जिन्होंने सब्सक्राइब किया है कि शायद ये मक्का में रहते हैं या शायद ये सऊदी अरब में रहते हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि जब मैं इंशाल्लाह अल्लाह करे कि मैं जल्द से जल्द दोबारा मक्का मदीना में जाऊं और आपके लिए और ढेर सारी जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर जाके मैं आपके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपके व्लॉग्स जो हैं वो अपलोड कर सकता हूँ। तो बाकी वो तो जब इंशाल्लाह मौका आएगा तो ज़रूर करेंगे। बाकी जो सियालकोट के व्लॉग्स हैं वो मेरे ज़रूर देखा करें आप, ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट लाजमी करनी थी कि माशाल्लाह देखे एक मेहनत की होती है इंसान ने, पहले रेसिपीज़ में बहुत सारी मैंने मेहनत की, और उसके बाद जनाब सियालकोट की कोई जगह नहीं छोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़्यादा यानी व्लॉग्स बनाए सियालकोट के रिलेटेड, और गुजरांवाला में भी मैं गया, तो जहाँ जहाँ यानी मैं माशाल्लाह गया हूँ तो मैं व्लॉग्स बनाता रहा हूँ। तो अब इंशाल्लाह आपको बड़े अच्छे अच्छे व्लॉग्स अभी भी मिलेंगे, नेक्स्ट हम जाएंगे इंशाल्लाह नॉर्दर्न एरियाज़ में और दूसरी सिटीज़ में भी मेरा प्लान है अब जाने का, तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट यही है। मैं यानी आज देखे बाहर निकला हूँ, वेदर बड़ा अच्छा था आज, वैसे भी आपको पता है क्लाउडी वेदर है सियालकोट में, और साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूँ, ये देखिए ये सामने फातिमा जना पार्क भी है, बात तो चलती रहेगी आपसे इंशाल्लाह। तो ये देखिए कितना रश है माशाल्लाह इधर, ये सियालकोट का एक वाहिद पार्क है फातिमा जना पार्क, और देखिए रश देखें, अभी तो थोड़ा कम है, यहाँ से गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता था, तो ये देखिए कितना रश है जी यहाँ पे। तो ये फातिमा जना का पार्क का मैंने व्लॉग भी बनाया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं, यानी बहुत सारे व्लॉग्स मैंने माशाल्लाह सियालकोट में बनाए हैं, तो वो मेरे चैनल पे आप ज़रूर जाके देखें जिनको शौक है जी सियालकोट देखने का। इसके अलावा हौजरी के ऊपर, यानी जैसे एक्सपोर्ट, आपको पता है सियालकोट एक एक्सपोर्ट सिटी है, तो एक्सपोर्ट के हवाले से मैंने बड़े अच्छे अच्छे एक बल्कि व्लॉग बनाया था, जिसपे आप किस तरह आपने कपड़ा लेना है, कहाँ से लेना है, कटिंग कैसे करनी है, कट टू पैक, यानी मैंने एक पूरा व्लॉग बनाया है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये बड़ी इन्फॉर्मेटिव व्लॉग था ये भी। तो बाकी आपका मैं बताता जाऊँ कि इतना सारा डाटा आपको मेरे चैनल पर मिलेगा, बड़ी मेहनत से मैंने ये जनाब आपके लिए ये व्लॉग्स बनाए हैं, तो आपसे गुजारिश यही है कि मेरे चैनल को आप शेयर भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ ताकि उनको फ़ायदा हो, और मक्का मदीना के व्लॉग्स भी देखें आप, सियालकोट के भी व्लॉग्स देखें इंशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता दूसरी सिटीज़ में भी हम जाएंगे, बहुत सारे लोग कहते हैं इस सिटी में आए, इवन के बहरीन से एक दो दोस्तों ने
बोला बहरीन आए, कोई कहता है मस्कत आए, कोई कहता है दुबई आए। तो ये उन लोगों का प्यार है मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं। तो इंशाल्लाह मौका बना तो ज़रूर जाएंगे जी। बाकी आप मेरे चैनल को थोड़ा सा यानी कह ले अल्लाह ताला ने मदद तो करनी करनी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद के बाद आप लोगों की दुआएं और हेल्प चाहिए ताकि जो सब्सक्राइबर हैं एक दफ़ा कुछ तकरीबन 50,000 सब्सक्राइबर हो जाए, 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाए तो फिर इंशाल्लाह बड़े अच्छे विज़िट करेंगे और बहुत दूर दूर हम इंशाल्लाह जाएंगे और आपको मज़ा आएगा व्लॉग देखने का। मैं एक्चुअली चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ऑडियंस बन जाए तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये आपको जनाब मैं दिखा देता हूँ एक और, ये हमारा ब्रेड्स विलेज, ये भी इस पर भी मैंने व्लॉग्स किए बनाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखिए ये सामने आपको सारा ये ब्रेड्स विलेज बड़ा मशहूर है जी, यहाँ का जो शॉपिंग सेंटर आप कह सकते हैं और मॉल भी कह सकते हैं। ये देखिए ये है जी, तो ये भी बस ऐसे ही मैं गुजर रहा था, मैंने कहा चलें मौसम अच्छा है बाहर निकलते हैं। और मैं यही सोच रहा था कि काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं माशा सब्सक्राइबर्स हमारे आ रहे हैं मेरे चैनल पे, तो मैंने कहा उनको लाजमी बताता हूँ कि जी हमारे चैनल पे आपको क्या क्या मिलेगा। सिर्फ मक्का मदीना के अलावा भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। तो ये आज के व्लॉग में मैंने यही आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। तो ये जनाब सियालकोट की बड़ी ही मशहूर रोड है जी, ख्वाजा सदर रोड जहाँ से हम गुज़र रहे हैं। माशाल्लाह पूरा सियालकोट अब कह लें कि नीट एंड क्लीन हो चुका है, रोड की हालत आप देख सकते हैं, सारी रोडें माशाल्लाह कारपेटेड बनी हैं यहाँ पे अब कुछ ही देर पहले यानी कि इलेक्शन से पहले आप कह सकते हैं। ठीक है जी, तो जनाबे अली बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आप। तो एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि हम हफ्ते में एक दिन मैंने रखा हुआ है, हर हफ्ते के हफ्ते रात 11 बजे लाइव भी मैं आता हूँ। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपकी कोई फरमाइश है तो वो इंशाल्लाह पूरी कर देंगे। तो बाकी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरा चैनल ज़रूर देखते रहे। बड़ी मेहनत से आप लोगों के लिए जनाब ये चैनल हमने बनाया है और उस पर मेहनत की हुई है तकरीबन अब तो कह लें कि अगस्त सितंबर में 3 साल हो जाएंगे चैनल को। सब्सक्राइबर्स नो डाउट माशाल्लाह आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं अब। तो बस आपसे गुजारिश है कि चैनल ज़रूर आपने देखना है, शेयर ज़रूर करनी है वीडियोज़, और जब भी वीडियो मेरी देखें पूरी वीडियो देखें। तो ये आज का जो व्लॉग कह लें एक छोटा सा व्लॉग था, ये मैंने अपना जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैसेज भी कह सकते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन भी कह सकते हैं जो मैंने अपने चैनल के रिलेटेड आपको देनी थी। ठीक है जी, और जाते जाते मैं जनाब आपको एक यहाँ पे एक नया हेस्कोल अभी गुजरा है और एक नया पेट्रोल पम्प यहाँ शुरू हुआ है, वहाँ से फ्यूल भी भरवाना है हमने, तो आपको दिखाते भी हैं इंशाल्लाह। फिर इंशाल्लाह अपना जो ये व्लॉग है उसको एंड करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, बस कुछ ही लम्हे में हम पहुँचने वाले हैं। तो बच्चे भी माशाल्लाह मेरा चैनल देखते हैं, बुज़ुर्ग भी देखते हैं, ये बड़ी खुशी होती है देखकर कि इस चैनल को माशाल्लाह हर एज का लोग जो है वो देख रहे हैं माशाल्लाह। और उसके अलावा लेडीज़ जो लेडीज़ हैं वो भी माशाल्लाह 20% लेडीज़ भी मेरा चैनल देख रही हैं। तो बस देखिए अल्लाह करे, अब दुआ करें बस एक दफ़ा बूस्ट मिल जाए चैनल को ताकि अच्छे अच्छे व्यूज़ भी आएँ, फिर मज़ा भी आता है काम करने का। तो ये जनाब ये नया बना जी ज़िक का SK ज़िक, ये नया जनाब पेट्रोल पम्प बना है हेस्कोल के बिल्कुल आगे। ठीक है जी, ये जब आप कैंट की तरफ जा रहे होते हैं तो ये सियालकोट की रॉयल कुल्फी वाले भी बड़े मशहूर है जी, ये सामने ये देखिए ये वाली। ठीक है, तो मैंने कहा चले आपको ब्लॉक भी में दिखा देते हैं, और टक शॉप भी है यहाँ पे, और ये देखिए जी पेट्रोल पम्प, अभी यहाँ पर पेट्रोल भी इंशाल्लाह भरवाते हैं। तो बाकी मैं आपको दिखा दूँ कार वाश का भी इनका सिस्टम है जी, कार वाश, और अगर आप ऑयल चेंज वगैरह कराना चाहते हैं तो ये सामने देखें, देखें माशाल्लाह मस्जिद भी है जी एक छोटी सी यहाँ पे। ये बड़ा अच्छा या नहीं ये पॉइंट आप मैंने देखा कि ट्रेंड आ चुका है, जैसे सऊदी अरब में हर पेट्रोल पंप के ऊपर आपको छोटी सी मस्जिद मिलेगी जहाँ आप नमाज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। तो यहाँ भी अब ये देखें माशाल्लाह मस्जिद आप देख सकते हैं, छोटी सी वो सामने मस्जिद है, नमाज वगैरह पढ़े अगर टाइम हो गया तो ये कार वाश आप देख रहे हैं, गाड़ियाँ कार वाश हो रही हैं। गाड़ी तो मेरी भी बहुत गंदी है, तो ऐसा करता हूँ पहले मैं यहाँ व्लॉग का एंड कर लेता हूँ तो फिर इंशाल्लाह गाड़ी भी वॉश करवाते हैं और फ्यूल भी भरवाते हैं। और सामने ये टक शॉप भी है जी, ये जी नया पेट्रोल पंप है सियालकोट में, जो नया डेवलप यानी कह सकते हैं नई डेवलपमेंट थी, मैंने कहा चले लोगों को शेयर करते हैं, ये पहले नहीं देखा होगा आपने तो ये आज मैंने आपको दिखा दिया है। तो बाकी जनाब व्लॉग को अब यहीं एंड करते हैं। अगर चैनल आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। इस दुआ के साथ कि खुश रहें, आबाद रहें,
एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।